My dear students, assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the role of enzymes in plant disease development. अभी तक हमने पढ़ा कि डिजीज साइकिल कैसे होता है, कैसे इन्फेक्ट करता है एक पैथोजन एक प्लांट होस्ट में, एंड इसके बाद वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज इन प्लांट्स। आज का टॉपिक है कि एंजाइम्स का रोल क्या है डिजीज डेवलपमेंट में। पहली बात तो ये है कि कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो मैकेनिकल फोर्सेस से प्लांट टिश्यूज को पेनिट्रेट करते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पैथोजेंस हैं वो कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं जिनकी वजह से एक तो वो प्लांट बॉडी में पेनिट्रेट कर पाते हैं, एंड कुछ केमिकल्स ऐसे भी हैं जिनकी वजह से डिजीज फिर आगे डेवलप होती है। अगर हम ओवरऑल डिजीज की डेवलपमेंट देखेंगे प्लांट में, हमें ये पता चलता है कि जो डिजीज डेवलप होती है इट इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ सम बायोकेमिकल रिएक्शंस, कि कुछ केमिकल्स सीक्रेट होते हैं फ्रॉम द प्लांट पैथोजेंस एंड कुछ केमिकल्स सीक्रेट होते हैं बाय द होस्ट प्लांट, एंड जो फिर आपस में इनमें इंटरेक्शन होता है बायोकेमिकल इंटरेक्शंस, उनकी वजह से ही डिजीज डेवलप होती है एक प्लांट में। अब जहां तक इन सबस्टेंस का सवाल है जो पैथोजन की वजह से सीक्रेट होते हैं एंड जिनकी वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिजीज डेवलप होती है, वो कौन कौन से हैं? तो इनमें से एक एंजाइम्स है, टॉक्सिन्स हैं, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, कुछ पॉलीसेकेराइड्स हैं। मैं ये कह रहा हूं कि द मेन सबस्टेंसेस विच आर सिक्रेटेड बाय पैथोजेंस इन प्लांट्स विच मे बी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डिजीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्लूड मेनली द एंजाइम्स, toxins, growth regulators and polysaccharides. तो जो ये substances हैं इनका बहुत ही important role होता है pathogenicity में, and जो इनका influence है वो differ करता है from one disease to another disease. मान लीजिए for example soft rot है, अब ये वो डिजीज है जहां पे एंजाइम्स का ही मेन काम होता है, एंड कुछ डिजीजेस जैसे क्राउन गॉल डिजीज होती है, अब यहां पे इतना ज्यादा रोल एंजाइम्स का नहीं होता जितना ग्रोथ रेगुलेटर्स का होता है। इसी तरह कुछ डिजीज ऐसे हैं जैसे ओल्ड का ब्लाइट है, तो यहां पे जो मेन डिजीज इन्फ्लुएंसिंग जो एजेंट है दीज आर द टॉक्सिन्स। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे सीक्रेट होते हैं फ्रॉम द प्लांट पैथोजेंस जिनकी वजह से डिजीज का डेवलपमेंट हो सकता है, एंड दीज में इंक्लूड एंजाइम्स, टॉक्सिन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, पॉलीसेकेराइड्स एक्सेट्रा। और जहां तक प्लांट पैथोजेंस का सवाल है, तो जितने भी प्लांट पैथोजेंस हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो निमेटोड हो, चाहे वो फंगस हो, तो इन सब में ये सब एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर भी प्रोड्यूस करते हैं एंड पॉलीसेकेराइड्स, बस वायरसेस और वायरॉइड्स को छोड़ के। अब ये वो क्लासेस हैं जो कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते ऐसे या ग्रोथ रेगुलेटर प्रोड्यूस नहीं करते, बाकी जितने भी प्लांट पैथोजेंस हैं वो सारे के सारे दे प्रोड्यूस एंजाइम्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। अब ये जो
सबस्टेंस हैं जो रिलीज होते हैं फ्रॉम द पैथोजन। अब इनमें भी किसमें हैं, एक वो जो नॉर्मली एक प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो पैथोजन के साथ, चाहे वो प्लांट के साथ इंटरेक्ट करे पैथोजन या ना करे, कुछ सबस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो नॉर्मली पैथोजन प्रोड्यूस करता है। अब उन सबस्टेंस को हम बोलते हैं नॉन इंड्यूसिबल। एंड कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे ही पैथोजन प्लांट के साथ इंटरेक्ट करता है उसके बाद ही वो सबस्टेंस रिलीज होते हैं फ्रॉम द प्लांट पैथोजन। अब उनको बोलते हैं दीज आर इंड्यूसिबल सबस्टेंसेस। तो यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है इट इज अबाउट द एंजाइम्स। तो जनरली जो पैथोजेनिक एंजाइम्स है वो क्या रोल करते हैं, दे कॉज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ होस्ट सेल्स। वो होस्ट सेल के स्ट्रक्चर को डिसइंटीग्रेट करते हैं। वो जो फूड सबस्टेंस है होस्ट सेल में उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वो होस्ट जो प्लांट है उनकी जो सेल्स के मेम्ब्रेन्स हैं उनको डैमेज कर सकते हैं या डायरेक्टली प्रोटोप्लास्ट को ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जो एंजाइम्स हैं, अगर हम एंजाइम्स के बारे में बात करें, वी ऑल नो दैट एंजाइम्स आर जनरली लार्ज प्रोटीन्स। ये मेनली क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं कुछ को छोड़ के। वी नो देयर आर सम केसेस वेयर दीज आरएनएज एक्ट एज एंजाइम्स, व्हाट वी कॉल एज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को छोड़ के जितने भी एंजाइम्स है दीज आर ऑल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। एंड इनका क्या काम है, दे कैटेलाइज ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन लिविंग सेल्स एंड इन सॉल्यूशंस। तो इनका क्या काम है, दे एक्ट एज बायो कैटेलिस्ट्स, दे चेंज द रेट ऑफ द रिएक्शंस। जैसे कैटेलिस्ट होता है हमारा केमिस्ट्री में, इसी इसी तरह जो लिविंग सिस्टम्स में जो कैटेलिस्ट्स होते हैं दे आर कॉल्ड बायो कैटेलिस्ट, बायो कैटेलिस्ट और एंजाइम्स। ऑलमोस्ट जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो ऑकर होते हैं एक सेल में, इनमें एंजाइम्स का रोल होता है। जो एंजाइम्स होते हैं क्योंकि प्रोटीन्स होते हैं तो ऑब्वियस ही बात है इनको कोई जीन कोड करता है। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सेल्स में हर वक्त प्रेजेंट रहते हैं, दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स। एंड कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जैसे ही कोई बाहर से या अंदर से कोई स्टिमुलस या एक्टिवेटर प्रेजेंट होता है या स्टिमुलस मिलता है तभी जाके ये एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड इंड्यूस्ड एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स जो हैं ये मेनली क्या करते हैं, ये इनका दो काम है, या तो ये सेल के अंदर कोई काम करेंगे या मेनली इनका काम ये होता है कि जो सेल का जो आउटर लेयर है इंक्लूडिंग सेल वॉल या क्यूटिन होता है, क्यूटिकल होता है, इनको डिग्रेड करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। तो आगे जाने से पहले व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वी नो जो प्लांट सेल्स होते हैं अगर इनकी हम कवरिंग देखेंगे, पहले तो इनका एक सेल का अपना एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेम्मा। एंड आउटर टू इट वी हैव गॉट ए वेल डिफाइंड सेल वॉल। तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है एक प्लांट सेल में। अगर हम प्लांट सेल वॉल की बात करें तो इसमें भी प्राइमरी सेल वॉल होता है, फिर आगे जाके और डिपोजिशन होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। एंड सेकेंडरी सेल वॉल के बाहर भी अगर हम इंटरसेल्यूलर, अगर हम दो सेल्स के बीच में की बात करते हैं तो इसमें भी एक सिमेंटिक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। तो जो सेल्स होते हैं प्लांट सेल्स, इनके बाहर एक सेल वॉल होता है एंड सेल वॉल का एक कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं लैमेला, जो दो सेल्स के बीच में होता है। इनके बगैर अगर हम बात करें जो सेल्स होते हैं आउटर सरफेस, जो एरियल पार्ट्स होते हैं, जो आउटर सरफेस होता है प्लांट बॉडी में,
जो आउटर सरफेस होता है वहां पे इन एडिशन टू द मिडिल लैमेला जो एरल पार्ट्स होते हैं इनमें कहीं कहीं पे वैक्स होता है या क्यूटिकल होता है, जो वैक्सी लेयर होती है एरल पार्ट्स ऑफ द प्लांट उनमें एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। तो हमें पहले ये देखना है कि एक प्लांट सेल में बाहर कौन कौन से लेयर्स होते हैं विच एक्ट एज ए बैरियर फॉर द एंट्री ऑफ पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या करते हैं, फिर वो ऐसी एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं ताकि वो डिग्रेड करे जो बाहर एक बैरियर पड़ा हुआ है सेल वॉल से या मान लीजिए प्लाज्म मेम्ब्रेन से, इसको पहले डिग्रेड करना है तभी जाके एक प्लांट पैथोजन एक प्लांट बॉडी में घुस सकता है। ऑब्वियसली बात है जो पहला कांटेक्ट होता है पैथोजन का विद द होस्ट इट ये ऑकर होता है ओनली एट द प्लांट सरफेस। जैसे मैं पहले ही कह रहा था कि अगर हम एरियल पार्ट्स को लें रूट्स को छोड़ के तो वहां पे जो आउटर लेयर जो होती है इट इज मेड अप ऑफ यूजुअली ऑफ क्यूटिकल, वो क्यूटिकल की होती है या सेलुलोज की होती है। जबकि अगर हम रूट की बात करें रूट सेल वॉल की वहां पे यूजुअली कोई क्यूटिकल होता नहीं है तो इट इज लार्जली मेड अप ऑफ सेलुलोज। अगर हम क्यूटिकल की बात करें क्यूटिकल में एक सबस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिन एंड क्यूटिन के साथ इसमें वैक्स प्रेजेंट होता है। तो ये वैक्स और क्यूटिन ये एक लेयर बनाते हैं। तो जो लोअर पार्ट क्यूटिन का होता है इसमें फिर पेक्टिन हो सकता है, सेलुलोस लैमेली होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं हम क्यूटिकुलर वैक्स की। यहाँ पे आप जो आप व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यहाँ पे दिखाया गया है कि एक सेल के बाहर क्या कौन कौन से लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं वी हैव गॉट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन वी हैव गॉट लेयर्स जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ऑन योर स्क्रीन। सेलुलोस लेयर है, देन पेक्टिन लैमेला है, सेलुलोस लैमेला है, देन वी हैव गॉट क्यूटिन एंड वैक्सी लैमेला है, वैक्सी लेयर है एंड तो ये सारा का सारा जो दिया है इट इज जस्ट द आउटर लेयर्स ऑफ ए सेल जो प्लांट सेल है इसमें कौन कौन। तो पहले हम बात करते हैं नाउ कमिंग टू द दिस क्यूटिकुलर वैक्स। जो क्यूटिकुलर वैक्स होते हैं ये ग्रैनुलर शेप में प्रेजेंट हो सकते हैं या रॉड लाइक प्रोजेक्शंस हो सकते हैं या कंटिन्यूस लेयर हो सकते हैं प्रेजेंट, लेकिन कहाँ पे होते हैं जस्ट आउटसाइड द क्यूटिकल। एक क्यूटिकल लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर के बिल्कुल जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑन द टॉप मोस्ट क्यूटिकल लेयर के टॉप मोस्ट जैसे यहाँ पे मैग्निफाई किया गया है इसके बिल्कुल क्यूटिकल के ऊपर। अब जो एरल पार्ट्स ऑफ द प्लांट है मोस्टली इनमें क्या होता है कि इनमें एक वैक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकुलर वैक्स। ये ग्रैनुल्स की वजह ग्रैनुल्स की शक्ल में हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लेड और रॉड लाइक प्रोजेक्शंस या कंटिन्यूस एक लेयर हो सकती है। तो कंडीशन क्या है वैक्स की या जो वैक्स की प्रेजेंस है इसे इफेक्ट होता है कि एक प्लांट पैथोजन कॉलोनाइज कर सकता है एक लीव को या नहीं कर सकता। तो ये तो हुआ क्यूटिकुलर वैक्स। अब आते हैं मेन जो क्यूटिकल लेयर होती है। जो क्यूटिकल लेयर है इसमें जो मेन कंपोनेंट है दैट इज क्यूटिन, उसको क्यूटिन बोलते हैं। क्यूटिन के साथ साथ अगर हम अपर लेयर देखेंगे क्यूटिकल की इसमें क्यूटिन होता है अलॉन्ग विद द वैक्सेस वैक्स के साथ साथ। और अगर हम लोअर पार्ट देखेंगे क्यूटिकल का तो ये जो आउटर वॉल ऑफ जो एपिडर्मल लेयर होते हैं एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं एपिडर्मल सेल में पेक्टिन होता है या सेलुलोस होता है इसके साथ ही ये क्यूटिन मिक्स हुआ होता है। जो क्यूटिन का सवाल है एज फार एज क्यूटिन इज कंसर्न्ड ये एक इनसॉल्युबल पॉलिएस्टर होता है हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड्स का, ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो कुछ फंगे और कुछ बैक्टीरिया जो हैं ये क्यूटिनेसिस या नॉन स्पेसिफिक एस्टेरेसिस प्रोड्यूस करते हैं।
तो इन क्यूटिनेसिस का ऑब्वियसली जब तक एक क्यूटिकल लेयर डिग्रेड ना हो जाए देन इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर सम काइंड ऑफ पैथोजेंस टू इन्वेड द होस्ट प्लांट बॉडी। तो इसको डिग्रेड करने के लिए क्या करते हैं, कुछ जो पैथोजेंस होते हैं वो क्यूटिनेसिस रिलीज करते हैं। अभी क्यूटिनेसिस का जो मेन सबस्टेट होता है वो यही क्यूटिन होता है। जो क्यूटिन होते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं इसी क्यूटिन को, एंड इनकी वजह से या तो फिर मोनोमर्स बनेंगे या ओलिगोमर्स प्रोड्यूस होंगे। फिर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे दिखाया है कि जो क्यूटिनिस होते हैं ये क्यूटिकल को ही ब्रेक करते हैं। अब जैसे ही क्यूटिन ब्रेक हुआ या तो इसमें मोनोमर्स लिबरेट होंगे या ओलिगोमर्स लिबरेट हो जाते हैं वहां से। तो कुछ फंगस ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्टली पेंट्रेट कर सकते हैं चाहे कितना भी लो क्यूटिनेस लेवल हो। अगर क्यूटिनेस लेवल कम भी हो तब भी कुछ जो फंगस है वो पेनिट्रेट कर पाते हैं। लेकिन कुछ फंगस ऐसे होते हैं कि थोड़ा बहुत घुसने के बाद वो क्या करते हैं, वो जो क्यूटिनेस जीन्स होते हैं उनको ओवर एक्सप्रेस करते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा कि कुछ फंगस ऐसे होते हैं वो डायरेक्टली अंदर जाते हैं क्यूटिन के अंदर। कुछ अगर क्यूटिनेस एंजाइम तो होता ही उनमें, अगर क्यूटिनेस एंजाइम की लेवल कम भी हो तब भी वो पैथोजन के अंदर घुसते हैं। लेकिन कुछ फंगस ऐसे होते हैं अगर थोड़ा ही क्यूटिनेस हो तो क्यूटिनेस की वजह से जो मोनोमर्स लिबरेट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं उनके वजह से जो क्यूटिनेस जीन है, जो पैथोजन में क्यूटिनेस जीन अपना होता है उसको ट्रिगर करते हैं। तो क्यूटिनेस जीन क्या होता है, ये ज्यादा एक्सप्रेस होता है, इसकी वजह से ज्यादा क्यूटिनेस बन जाता है एंड ज्यादा बनने की वजह से वो फिर क्यूटिन को डिग्रेड करते हैं। तो जो क्यूटिनेस एंजाइम है, हाईएस्ट जो कंसेंट्रेशन है क्यूटिनेस की वो पेनिट्रेशन पॉइंट जो हाइपी है वहां पे प्रेजेंट होती है, और जो इन्फेक्शन टैग एपरसोरियम की वजह से बनता है वहां पे भी क्यूटिनेस एंजाइम की जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा बढ़ जाती है। सो दिस वॉज द फर्स्ट केस ऑफ द एंजाइम्स। मैं फिर से दोहराऊंगा, जो मैंने कहा कि जो प्लांट सरफेस है वो एक जो एरियल पार्ट्स होते हैं वहां पे क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। वी नो कि जो क्यूटिकल होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है या ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए होता है। तो जो क्यूटिकल है उसके आउटसाइड लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकुलर वैक्स। तो क्यूटिकुलर वैक्स की बात आता है क्यूटिकल, जो क्यूटिकल है उसमें क्यूटिन प्रेजेंट होता है। जो क्यूटिन प्रेजेंट होता है वो एक उसमें फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और उसको डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं एक पैथोजन में उनको हम बोलते हैं क्यूटिनेस एंजाइम्स। तो क्यूटिनेस एंजाइम का वही काम है कि क्यूटिन को ब्रेक या डिग्रेड करना। कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो क्यूटिन को, अगर क्यूटिनेस एंजाइम पहले में होती है थोड़ी लेवल होती है उसकी हेल्प से ही वो अंदर घुस जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो क्यूटिनेस एंजाइम है जैसे एक्ट करता है अंदर क्यूटिन, वहां से मोनोमर्स और ओलिगोमर्स रिलीज होते हैं, और जो मोनोमर्स होते हैं ये फर्दर क्या करते हैं, जो क्यूटिनेस जीन होता है पैथोजन का उसको ट्रिगर करते हैं, वो उसको ओवर एक्सप्रेस कराते हैं, उनकी वजह से ज्यादा क्यूटिनेस एंजाइम रिलीज होता है और जिसकी वजह से फिर क्यूटिन इजीली डिग्रेड हो जाता है। तो क्यों, जब क्यूटिनेस होता है क्यूटिन डिग्रेड हो गया तो इसकी वजह से जो फंगे होते हैं वो इजीली पेनिट्रेट कर पाते हैं एक प्लांट होस्ट में। जो हाईएस्ट कंसेंट्रेशन क्यूटिनेस की होती है वो दो जगह ज्यादा पाई जाती है, जहाँ यहाँ पे पेनिट्रेशन पॉइंट होता है हाइफी का, या अगर हाइपी ने हमने ये भी पढ़ा है कि एक फंगे कैसे कैसे पेनिट्रेट कर पाता है एक प्लांट होस्ट बॉडी में। या तो एप्रोसोरियम बनाएगा, एप्रोसोरियम में हमें पता है कि वहां पे एक इन्फेक्शन पैग होता है, तो जो इन्फेक्शन पैग है वहां पे भी जो फंगे होता है वो क्यूटिनेस एंजाइम रिलीज करके इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ाता है, और जो इन्फेक्शन पैग है इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द क्यूटिकल एंड वो क्यूटिन को डिग्रेड करने में हेल्प करता है ताकि जो
फंजा है वो इजीली पेंटेड कर सके। यहाँ पे आप देख रहे हो इन द फिगर कि ये एक एक स्पोर है, फंगल स्पोर। अब इसने क्या किया कि ये पहले थोड़ा बहुत क्यूटिन तो रिलीज करता ही करता है, इसके बाद क्यूटिन मोनोमर्स बन जाते हैं, क्यूटिन मोनोमर्स फिर से क्यूटिनेस जीन को फीडबैक देते हैं, ट्रिगर करते हैं, एंड इसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्यूटिनेस जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस होने लगता है, एंड इसके बाद वो इजिली जो प्लांट क्यूटिकल है वो इसको पेंट्रेट कर पाता है। सो दिस वॉज द केस ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम्स, व्हाट वी कॉल एज क्यूटिनेसिस। अब उसके बाद क्यूटिकल के बाद जो लेयर आती है वो होती है मिडिल लैमेला की। अब जो मिडिल लैमेला है इसमें जो मेन जो सबस्टेंस प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एक्टिक सबस्टेंसेस। जो एक्टिव सबस्टेंसेस है दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मिडिल लैमेला। अभी मिडिल लैमेला क्या है कि जो अगर प्लांट टिश्यू है, अगर दो सेल्स को दो सेल्स के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है या इंटरसेलुलर सीमेंट जो प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द सेल्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, उसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। अब मिडिल लैमेला में जो मेन सबस्टेंसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड पैक्टिक सबस्टेंसेस। जो पैक्टिक सबस्टेंसेस हैं ये एक दे मेकअप ए लार्ज पोर्शन ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। जहां तक इनका कंस्टिट्यूएंट्स का सवाल है, पैक्टिक सबस्टेंसेस का, ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। इनमें मेनली होते हैं गैलेक्टोरिनोन मॉलिक्यूल्स। इनके साथ साथ जो गैलेक्टोरिनोन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके साथ साथ इनमें एरेमिनोस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ज़ाइलान हो सकते हैं, एंड कुछ अदर फाइव शुगर्स होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम दो सेल्स को लेंगे एक प्लांट में तो बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। एज फार एज द कंपोजिशन ऑफ मिडिल लैमेला इज कंसर्न, जो इनमें सबस्टेंस होते हैं दे आर कॉल्ड एक्टिक सबस्टेंसेस। जो पेक्टिन होता है इट एक्ट्स एज ए इंटरसेलुलर सीमेंट बिटवीन द एडजेसेंट प्लांट सेल्स। अगर प्राइमरी वॉल सेल सेल वॉल की बात लेते हैं उसमें मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो इन्हीं पैक्टिक सबस्टेंसेस का ही होता है। इनमें क्या होता है कि जो पैक्टिन होता है इनमें गैलेक्टोरोनिक एसिड होता है, इनमें रेमनोस मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें जाइलान होते हैं, एंड कुछ फाइव कार्बन शुगर्स भी होते हैं। अब अगर इसको, क्योंकि सीमेंटिंग मटेरियल है तो ऐसे कोई प्लांट पैथोजन इसमें इजिली घुस नहीं पाता, तो वो क्या करता है, वो कुछ एंजाइम ऐसे भी रिलीज करता है जो इन्हीं पेक्टिन पेक्टिक सब्सटेंसेस को या पेक्टिन को डिग्रेड करता है। अब उन वाले जो एंजाइम्स है जो इस पेक्टिक सब्सटेंस को डिग्रेड करे उनको हम बोलते हैं पेक्टिनेसिस या पेक्टोलिटिक एंजाइम्स। वो एंजाइम्स जो पेक्टिन सब्सटेंस को डिग्रेड करते हैं दोज सब एंजाइम्स आर कॉल्ड एज पेक्टिनेसिस और पेक्टोलिटिक एंजाइम्स। तो ये जो पेक्टोनेसिस और पेक्टोलिटिक एंजाइम्स हैं इनका अलग अलग से अपना जो काम करने का अंदाज है वो अलग अलग है। अब कुछ इनमें ऐसे होते हैं पेक्टिनेसिस जिनको हम बोलते हैं पेक्टाइल पेक्टिन मिथाइल एस्टरेसिस। वो क्या करते हैं, जो पेक्टिन चेन्स होते हैं वो पेक्टिन चेन इसको निकालते हैं फ्रॉम द पेक्टिन। तो इसकी वजह से तो स्मॉल ब्रांचेस को वो रिमूव करते हैं। अगर हम ओवरऑल चेन की बात करें पेक्टिन की तो उसमें पेक्टाइन मिथाइल एस्टरेसिस का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो पेक्टिन की सॉलिबिलिटी जो है उसको, जो पेक्टिन की सॉलिबिलिटी जो है उसको इंक्रीज करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो पेक्टिनेसिस एंजाइम्स होते हैं उनमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो कैसे एक्ट करते हैं ऑन द पेक्टिन। पहला है जिसको हम बोलते हैं पेक्टिन एस्टरेसिस और पेक्टिन मिथाइल एस्टरेसिस। वो जो स्मॉल ब्रांचेस होते हैं पेक्टिन चेन में इनको रिमूव करते हैं। दूसरा होता है पॉलीगैलेक्टोरोनेसिस और पेप्टिक ग्लाइकोसाइडेसिस।
क्या करते हैं, ये पैक्टिन चेन इसको शॉर्ट करते हैं, ये सबमिट करके इनको शॉर्ट करते हैं, छोटे छोटे बनाते हैं, एक तो रिमूव करेगा एक तो शॉर्ट शॉर्ट करेगा। तो जो पॉलीगैलेक्टोरोनेसिस होते हैं, जो पॉलीगैलेक्टोरोनेसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक मॉलिक्यूल ऐड करते हैं वाटर का और हाइड्रोलाइज कराते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ जो पेक्टिन होते हैं, दे आर पेक्टिन जो होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ द गैलेक्टोरोनोन, जो गैलेक्टोरोनिक एसिड है, इनके बहुत सारे मोनोमर्स मिलके बनाते हैं पेक्टिन। अब वो ये क्या करता है, ये इनकी हाइड्रोलिसिस कराता है पॉलीगैलेक्टोरोनेस, इनको दूसरा नाम ही बोलते हैं पेक्टिन लाइसिस। तो ये चेन को स्प्लिट करते हैं, ये वाटर मॉल को रिमूव करते हैं फ्रॉम द लिंकेज, एंड इसकी वजह से जो ये बहुत बड़ी चेन होती है गैलेक्टोरोनिक एसिड की, वो इसको शॉर्ट करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आई नो आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो जैसे एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, जैसे क्यूटेनियस एंजाइम में होता था वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो जैसे ही कोई पेक्टिनेस एंजाइम एक्ट करता है ऑन द पेक्टाइन, तो पेक्टिन पे जैसे इसने एक्ट किया वहां पे मोनोमर्स रिलीज होंगे, गैलेक्टोरोनोन की जो मोनोमर्स है वो रिलीज होंगे, तो वो भी पेक्टिनेस प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाते हैं। तो इनका उनकी एक और भी क्लासिफिकेशन है, उस पेक्टिनेस जो होते हैं दे एक्ट ऑन द सरफेस, वो सरफेस पे ही एक्ट करते हैं, इज कॉल्ड एज एक्सोपेक्टिनेसिस, या फॉर एग्जाम्पल वो अगर चेन एक है, अगर वो चेन के टर्म्स पे या एंड्स पे एक्ट करेंगे देन दे आर कॉल्ड एज एक्सोपेक्टिनेसिस। एंड कुछ पेक्टिनेसिस ऐसे होते हैं जो चेन के एंड्स पे नहीं बल्कि चेन के मिडल में इसको ब्रेक कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज एंडोपेक्टिनेसिस। मैं फिर से दोहराऊंगा, जो मिडिल लैमेला होता है, जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ द सबस्टेंसेस व्हाट वी कॉल एज पेक्टिन और पेक्टिक सबस्टेंसेस। ये बहुत ही हार्ड होता है एंड इट मेक्स अ मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। जो पेक्टिन होते हैं वो गैलेक्टोरोनिक एसिड्स जो एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एक चेन बन जाती है जो पेक्टिन बनाते हैं। तो पेक्टिन होता है ये पॉलीमर है जो मोनोमर्स का बना हुआ होता है, और मोनोमर क्या है, वो होते हैं गैलेक्टोरोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स। तो जो पेक्टिन एसिड होते हैं वो इस पेक्टिन को या इसको डिग्रेड करते हैं, एंड इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पेक्टिन एस्टरेसिस और पेक्टिन मिथाइल एस्टरेसिस। जो ये चेन होती है, चेन में कुछ ब्रांचेस भी होती है, तो पेक्टिन एस्टरेसिस क्या करते हैं, जो पेक्टिन चेन के स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस हैं वो इनको रिमूव करती है, वो तो ब्रांचेस को रिमूव करती है लेकिन जो मेन चेन है वो इतनी होती है, तो चेन की लेंथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा टाइप है पेक्टिनेसिस का, जिनको हम बोलते हैं पॉलीगैलेक्टोरोनेसिस, वो ब्रांचेस को रिमूव नहीं करते, वो पेक्टिन चेन जो है इनको शॉर्ट करते हैं, जो बॉन्ड होता है मोनोमर्स का वो उसको ब्रेक करते हैं, एंड जो पेक्टिन चेन है वो शॉर्ट बन जाती है, वो शॉर्टर चेन में डिवाइड होती है और अल्टीमेटली मोनोमर्स लिबरेट होते हैं बाय द एक्शन ऑफ बोथ टाइप ऑफ पेक्टिनेसिस, चाहे वो पेक्टिन एस्टरेस हो या पेक्टिन ग्लाइकोसाइडेस या पॉलीगैलेक्टोरोनेसिस जिसको हम बोलते हैं, उनकी वजह से दोनों एक्ट करते हैं तो छोटे छोटे मोनोमर्स बन जाते हैं गैलेक्टोरोनिक एसिड की। फिर से इसी पेक्टिनेस एंजाइम्स को ज्यादा लिबरेट कराने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द वेज बाय विच दीज एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन द पेक्टिन। जो ऊपर आप देख रहे हो एक चेन, दीज आर नथिंग बट द पेक्टिन। अब यहाँ पे जो डॉटेड ऊपर वाले स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइन्स हैं,
दीज आर जो डॉटेड लाइन के बीच में स्ट्रक्चर है, दिस इज नथिंग बट द गैलेक्टोरोनिक एसिड. अब बहुत सारे गैलेक्टोरोनिक एसिड मिल जाते हैं एंड दे फॉर्म ए चेन, एंड इस चेन में कुछ ब्रांचेस भी होती हैं, एंड इससे फिर टाइप्स हैं जैसे पेक्टिनलाइसिस हैं, पॉलीगैलेक्टोरोनिसिस हैं. ये पेक्टिनलाइसिस जो है ये वाटर को रिमूव करते हैं, तो जो बॉन्ड होता है गैलेक्टोरोनिक एसिड्स में वो ब्रेकअप हो जाता है. गैलेक्टोरोनिसिस जो होता है ये वाटर एडिशन कराते हैं. इसी तरह जो प्रोटीन मिथाइल एस्टरेज है ये मिथेनॉल के से जो मिथोनिक एसिड होता है इसे इंटरेक्ट कराते हैं पेक्टिन का, एंड इसकी वजह से डिग्रेड होता है जो पेक्टिन है ये डिग्रेड होता है. सो दिस इज द एक्शन ऑफ द पेक्टिनेसिस. नाउ कमिंग टू थर्ड टाइप, व्हाट वी कॉल एज सेल्युलेसिस. तो जो सेल्युलोस जो होता है ये एक पॉलीसेकेराइड है. यहाँ पे एक बात याद रखना, हम बोलते हैं कुछ पॉलीसेकेराइड, जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ द मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड्स. जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं, ये भी बनाते हैं, ये बनते हैं फ्रॉम द मोनोमर्स. चाहे वो जैसे मान लीजिए मोनोसेकेराइड हो या डाइसेकेराइड हो कोई, जब वो मिलते हैं आपस में एंड सेम यूनिट्स तो एक पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड. एंड ग्लाइकान भी एक पॉलीसेकेराइड है. जो ग्लाइकान है ये एक पॉलीसेकेराइड है, ये याद रखना मेरी बात. अगर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर आपस में मिल जाएंगे तब जाके वो कोई पॉलीसेकेराइड बनाएंगे, उसको बोलते हैं ग्लाइकान. सो ग्लाइकान इज ऑल्सो ए पॉलीसेकेराइड, बट जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं वो उसमें ग्लूकोज होते हैं. जैसे हम सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है लेकिन ये एक ग्लाइकान भी है. जो इसका मोनोमेरिक यूनिट है इट इज ग्लाइकोज, एंड इसमें बीटा लिंकेज होती है बिटवीन टू डिफरेंट, जिसको हम बोलते हैं बीटा 1,4 लिंकेज बिटवीन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. तो सेलुलोज जो है ये एक पॉलीसेकेराइड है, ये ग्लाइकान है, इसमें चेन होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की विच आर अटैच टू ईच अदर थ्रू 1,4 बीटा लिंकेज. जो ग्लूकोज चेन होते हैं ये एक दूसरे से अटैच होते हैं बाय लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. जो ग्लूकोज होता है, अगर हम सेलवाल का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेलवाल में जो फिब्रिल्स, अगर हम सेलवाल एनालाइज करेंगे वहां पे माइक्रो फिब्रिल्स होते हैं, एंड जो माइक्रो फिब्रिल्स जो मेन कंपोनेंट है उनका वो होता है सेल्युलोज. अगर हम माइक्रोफिब्रिल्स को देखेंगे एक सेल वॉल में तो आपको लगेगा जैसे कि आयरन जो रॉड्स हैं उनकी बंडल्स पड़े हुए हैं जिनकी वजह से मेश लाइक स्ट्रक्चर बनता है. और जो ये मेश लाइक स्ट्रक्चर जो है, अगर हम इसकी कंपोनेंट की बात करें, वो बना होता है इसी ग्लूकोज का. तो यूजुअली अगर हम मेरिस्टमेटिक सेल्स की बात करें वहां पर 20% जो वॉल वॉल्यूम होता है वो इन्हीं सेलुलोज का बना हुआ होता है. अगर नॉन वुडी जो टिश्यूज होते हैं ग्रासेस का फॉर एग्जांपल, वहां पे 12% जो होता है वो सेलुलोज होता है. अगर हम वुड की बात करें वहां पे, अगर हम जो वुड होता है वुडी प्लांट का वुड की बात करते हैं, वहां पे 90% जो होता है वुड टिश्यू उनमें जो सेलवाल होता है 90% वो सेलुलोज का ही बना हुआ होता है, 50% सॉरी. एंड कॉटन फाइबर्स की बात करें वहां पे 90% सेल्युलोज का बना हुआ होता है. तो ये तो हुए कुछ चेन्स जो माइक्रोफिब्रिल्स के, लेकिन इन माइक्रोफिब्रिल्स में बीच बीच में कुछ और भी मटेरियल होता है जिनकी वजह से ये माइक्रोफिब्रिल आपस में बंधे हुए होते हैं. उनमें पेक्टिन होता है, हेमिसेल्युलोज हो सकता है, एंड कभी कभी मैच्योरेशन के वक्त इनमें लिग्निन भी होता है. मैं फिर से दोहराऊंगा, जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, इट इज अ ग्लाइकान, इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज व्हिच आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू बीटा 1,4 लिंकेज. जो सेलुलोज होता है इट ऑकर्स इन ऑल हायर प्लांट्स एज द स्केलेटल सबस्टेंस ऑफ द सेल वॉल, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स.
तो जो माइक्रोफिब्रिलेशन से इट में कंस्टिट्यूट ऑलमोस्ट 20% ऑफ द वॉल वॉल्यूम इन केस ऑफ ग्रासेस, इन केस ऑफ वुड इट में अकाउंट ऑलमोस्ट 50%, एंड इन कॉटन फाइबर्स इट में अकाउंट टू मोर देन 90%. द स्पेसिस विच आर प्रेजेंट बिटवीन द माइक्रोफिब्रिल्स आर ऑक्यूपाइड बाई पैक्टिन, हेमिसेलुलोस एटसेट्रा. तो ये भी एक मटेरियल होता है कि इसकी वजह से भी एक पैथोजन घुस नहीं पाता. तो यूजुअली क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स प्लांट पैथोजन ऐसे रिलीज करता है जो इस सेल्युलोस को डिग्रेड करते हैं, और इन एंजाइम्स को हम बोलते हैं सेल्युलेस एंजाइम्स. तो इसमें भी डिफरेंट क्लासेस ऑफ सेल्युलेस हैं. एक को बोलते हैं C1 सेल्युलेसिस. अब C1 सेल्युलेसिस क्या करते हैं? अगर डिफरेंट चेन्स हैं उनको छोटा करने में जो सेल्युलेस हेल्प करते हैं दे आर कॉल्ड सेल्युलेस C1. जो क्रॉस लिंकेज होते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास माइक्रोफिब्रिल्स हैं. अब माइक्रोफिब्रिल्स में तो चेन्स होते हैं सेल्युलोस के, तो जो सेल्युलोस चेन्स होते हैं इनमें आपस में लिंकेजेस होते हैं, लिंक्स होते हैं. तो इन लिंक्स को काटने में, क्लीव करने में जो सेल्युलेस एंजाइम हेल्प करते हैं दे आर कॉल्ड एज C1 सेल्युलेसिस. जो लिंकेज होते हैं क्रॉस लिंक्स बिटवीन द सेल्युलेस चेन्स, इनको क्लीव करने में जो सेल्युलेसिस हेल्प करते हैं दे आर टर्म्ड एज C1 सेल्युलेसिस. एक और क्लास है जिसको हम बोलते हैं सेकंड सेल्युलेसिस या C2 सेल्युलेसिस. ये क्या करते हैं, ये जो सेल्युलेस होता है इनको शॉर्टर चेन्स में ब्रेक डाउन करता है. एक तो होता है कि दो चेन्स के बीच में जो लिंक है इनको C1 सेल्युलेस डिग्रेड करते हैं, और जो मेन चेन्स होते हैं उनको शॉर्ट करने में, शॉर्टर चेन्स बनाने में C2 सेल्युलेसिस हेल्प करते हैं. तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं CX सेल्युलेसिस. जो CX सेल्युलेसिस, अब जो शॉर्टर चेन्स बने ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ C2 सेल्युलेसिस, इनको डाइसैकेराइड्स में तोड़ने के लिए जो शॉर्टर चेन्स है उनको फिर से ब्रेक किया जाता है इनटू द डाइसैकेराइड्स, जिनको हम बोलते हैं सेलोबायोस. सेलोबायोस को बनाने में फ्रॉम द शॉर्टर चेन्स जो वहां पर सेल्युलेस एंजाइम्स यूज होते हैं उनको बोलते हैं सेल्युलेस CX. तो CX सेल्युलेसिस वो होते हैं जो शॉर्टर चेन्स को डाइसैकेराइड्स में, जिसको हम सेलोबायोस कहते हैं, उसको क्लियर